नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अवर ब्रेन अवर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी सीरीज को फिर आगे बढ़ाएंगे, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी। आज हम टॉपिक ले रहे हैं पितृदोष। क्या साइकोलॉजी पितृदोष के साथ कहीं कनेक्ट होती है? इस पे हम काम करते हैं, हमने रिसर्च किया है। आज मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगा इस पे। एज पर एस्ट्रोलॉजी पितृदोष होता क्या है, पर पहले समझ लें एस्ट्रोलॉजी पितृदोष के लिए बोलती क्या है। ऐसा कोई कुंडली में दोष जो आपके पीछे के जन्मों से आया हो, जिस पे आपका कोई कंट्रोल ना हो, जिसको हम इंग्लिश में ये भी बोल देते हैं ना, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड पॉजिटिव लैंग्वेज में भी यूज होता है, नेगेटिव में। पितृदोष अच्छा भी हो सकता है, पितृदोष बुरा भी हो सकता है। कुछ ऐसा कर्म जो अनकंट्रोल्ड होके हमारे इस जन्म में हमें बाधा पहुंचा रहा है। हम जाते होंगे एस्ट्रोलॉजर के पास, जिनकी कुंडली में दोष होता होगा, एस्ट्रोलॉजर उसका बताते हैं, फिर उसके उपाय बताते हैं। और जब वो उपाय बताते हैं तो उसके बाद आपको उन रेमेडीज, उन उपायों को करने के बाद आप अच्छा फील करते हैं और वो दोष दूर हो जाता है। अब हम इसको साइकोलॉजिकल वे में देखने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। करेक्ट, एक पैरा साइकोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है PLR। आप गूगल करेंगे आपको इसका मतलब मिलेगा, PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आप लोगों ने बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी देखे होंगे या टीवी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसमें पास्ट लाइफ में आदमी को लेकर जाते हैं, उसी को PLR बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इसमें होता क्या है, इसमें आपके पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम हुआ हो जिसकी वजह से आपके इस लाइफ में बाधाएं आ रही हो। क्या इसको हमारे शास्त्र सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जब इस संसार में किसी की मृत्यु होती है तो मन इंद्रियों समेत उसके शरीर को छोड़ देता है। अब मन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। और इंद्रियां क्या है? आपके कर्म। तो कोई ऐसी हर्डल जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी को छोड़ के चला गया, वो नेक्स्ट जन्म में आ जाता है। इसी पे पूरा एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत फिक्स है। शास्त्रों की आईज एस्ट्रोलॉजी को बोला जाता है। शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो वेदों की दृष्टि है, आईज है। करेक्ट, तो इसी वजह से वो पितृदोष होता है। अब आते हैं हम साइकोलॉजी पे कि साइकोलॉजी इस पितृदोष को कैसे एक्सेप्ट करती है, या इसको हम कैसे एक्सेप्ट करने के बाद करेक्शन भी कर सकते हैं क्या। तो साइकोलॉजी में एक आती है पैरासाइकोलॉजी। आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिलेगा, पैरासाइकोलॉजी पे बहुत सारे लोग थीसिस कर रहे हैं। पैरासाइकोलॉजी में हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम अपने माइंड को पीछे लेके जाते हैं, अपनी पीछे की दुनिया में लेके जाते हैं। वहां अगर ऐसी कोई चीज है जो अभी हमें पेन दे रही है, उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उसी टेक्निक को, उसी थेरेपी को PLR बोलते हैं। इस थेरेपी का यूज उन लोगों पे किया जाता है जिनको ऐसा लगता है कि जब भी वो एक काम शुरू करते हैं और वो काम पूरा होने से पहले बीच में ही वो काम रुक जाता है, मतलब उन्हीं का मन उस काम को पूरा करने की इच्छा ही नहीं करता। अगर आप एस्ट्रोलॉजर पर जाएंगे तो वो ऐसे वाले लोगों को 90% पितृदोष में काउंट करेगा, क्योंकि पितृदोष होता है उन्हें। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट पर जाएंगे तो वो PLR मेथड यूज करेगा। देखिए, तीनों अलग अलग मेथड हैं, बट रिजल्ट सबका सेम है। आप भगवद गीता हीलिंग कर सकते हैं, अगर आप हीलर हैं उससे भी रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो पितृदोष का निवारण कर सकते हैं, और अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप PLR मेथड यूज कर सकते हैं। इससे जितनी पुरानी हर्डल्स आप कैरी कर रहे हैं बिना किसी बात के, उनका वजन उठा रहे हैं,
वो दूर हो जाएंगी। कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है या होनी चाहिए? पहला मैंने आपको अभी बताया था इसी वीडियो में, जिनके काम पूरे होने से पहले किसी भी कारणवश बीच में रुक जाते हैं जबकि वो कैपेबल हैं, ओके। दूसरा, जो बहुत सारा प्लान बनाते हैं मगर इंप्लीमेंटेशन से पहले ही वो प्लान खत्म, जिसे हम कभी कभी उस आदमी को ये बोलने लग जाते हैं, तो उससे इसलिए भाई तू तो रोज ही प्लान बनाता है, नया बिजनेस खड़ा करना चाहता है, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो वाकई ही करना चाहता है, पर मेरा वो कर्म वाला वीडियो देखिएगा, उसकी प्रॉब्लम ही वही है जिसमें मैंने कर्म वर्सेस साइकोलॉजी बोला है, जो आप समझेंगे कि वो एक ही चीज को बार बार पेन लेना चाह रहा है। अगर हमें इसे अवॉइड करना है तो हमें इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ साइकोलॉजिस्ट यूज करें, बट साइकोलॉजिस्ट का जो मेथड है PLR, वो आपको दिखता है, महसूस होता है, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं आपने क्या महसूस किया उन दिनों, उस टाइम में जितनी देर आप पे वो थेरेपी चली। तो और लॉजिकल माइंड जो चीज देखता है सुनता है उसको बिलीव जल्दी करता है। तो मेरे ख्याल मैंने तीनों ही चीजों को जोड़ा है, उनके ऊपर जो हमने रिसर्च किया है उनका रिजल्ट आपको बताने की कोशिश की है। जिन जिन लोगों को ये हो सकता है वो भी आपको बताया है, आप इस पे विचार करें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसका बेल बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और ये यूजफुल वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को का भला हो सके। दिस इज सोशल वर्क विच यू आर डूइंग टू शेयर। और आपके जो भी कोई पॉइंट हैं, व्यूज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालें, हमें मेल करें। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा व्यू है जिससे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल भी सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन का, आपके किसी भी ऐसे सवाल का जो आपको परेशान कर रहा है इसी के रिलेटेड, PLR पितृदोष के रिलेटेड, तो आप हमसे पूछें, डेफिनेटली हम आपको उसका सलूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।